नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमावस के बारे में। अमावस क्या होती है? आपकी कुंडली में अगर सूर्य चंद्र दोनों एक साथ बैठे हैं तो अमावस कहलाती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके उपाय क्या हैं, इस योग से हमें फायदा या नुकसान क्या हो सकता है, इसको जानते हैं। दोस्तों, सूर्य चंद्र जब कुंडली में एक साथ बैठे हुए होते हैं तो उसके अमावस का योग बोलते हैं। अमावस के दिन के बाद शुक्ल पक्ष शुरू होता है और अमावस सूर्य चंद्र एक साथ होने की वजह से चंद्रमा के फल कमजोर पड़ जाते हैं, या यूं कहो सूर्य चंद्र को जला देता है, लेकिन सूर्य बहुत स्ट्रांग अवस्था में होता है। यहाँ पे अमावस जब भी हमारी कुंडली में योग होगा, सूर्य चंद्र एक साथ होंगे, तो उस इंसान को उसके मानसिक तनाव, मानसिक प्रेशर हर वक्त बहुत ज्यादा महसूस करेगा। उसे मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, उसके इमोशंस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। कभी अचानक से बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा इंसान, कभी बहुत छोटी चीज से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। अचानक से नाराज हो जाना, अचानक से खुश हो जाना, उस वजह से मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा रहने की वजह से लोगों के साथ कई बार ऐसा इंसान बहुत कट जाता है। इस इंसान को अपने करियर में बहुत ज्यादा हार्डशिप और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, रिजल्ट्स कंपैरेटिवली कम रहते हैं, लेकिन अमावस का जो योग है, सूर्य चंद्र का जो योग है, इस योग में अगर ऐसा इंसान अपने उपाय करता रहे, अपनी लाइफ को अपने ट्रैक के अकॉर्डिंगली, अपने ग्रहों के अकॉर्डिंगली समझ कर चले, तो सूर्य चंद्र एक साथ जिनकी कुंडली में होगा वो इंसान बहुत ज्यादा तरक्की करता है। चंद्रमा अगर ऐसा इंसान मजबूत रखे, अपनी कुंडली में चंद्र को प्रमोट करके रखे, तो ऐसे इंसान को कम एफर्ट्स करके बहुत ज्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं। सूर्य चंद्र इकट्ठे वाले लोगों को सरकारी नौकरी या सरकार से पैसा, फायदा कमाने की बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इन लोगों की सरकारी जॉब इजीली लग सकती है। इन लोगों को सरकारी जॉब करने का शौक भी काफी होता है, कुछ लोगों को नहीं भी मिल पाती, लेकिन अगर चंद्रमा मजबूत रखें, उसके उपाय करें, तो आप इन लोगों को जिनका सूर्य चंद्र इकट्ठा होगा, इनके रिजल्ट्स बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ये लोग बहुत जल्दी मानसिक तौर पर हर जगह पर एडजस्ट कर जाते हैं। मूड स्विंग्स जरूर रहते हैं, लेकिन एडजस्ट करना जानते हैं। इन लोगों को हर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली खुद को ढाल लेना बहुत अच्छे से आता है। ये लोग रिग्रेट तो करते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इनके मन की बात मन के अंदर रह जाती है। ये लोग अपनी भावनाओं को प्रकट करते समय शर्म खा जाते हैं, इनको ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान मेरे इमोशंस को सुन के मजाक बना लेगा, मेरा जो है इमोशंस को कोई समझेगा नहीं। इनको समझने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। ये लोग बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, हर किसी को हेल्प करने की सोच रखते हैं। ये लोग, इन लोगों को जब कई बार अनसक्सेसफुल रह जाते हैं ना, तो फिर इन लोगों को दूसरों की हेल्प करने की ऑटोमेटिकली प्रेरणा मिलती रहती है। इन लोगों को अपनी कुंडली के क्या उपाय करने चाहिए जिससे सूर्य चंद्र का कॉम्बिनेशन बेटर हो सके? इन लोगों को हमेशा रात के वक्त सोते समय पानी की तरफ, सिर की तरफ पानी का ग्लास रख के सोना चाहिए। इन लोगों को चांदी के बर्तन मैक्सिमम इस्तेमाल करने चाहिए। इन लोगों की लाइफ तरक्की की तरफ जरूर बढ़ती है, क्योंकि अमावस के बाद शुक्ल पक्ष आता है, चांदनी रातें होती हैं, यानी कि चंद्रमा बढ़ता है। इसलिए ये इनके इमोशंस भी उम्र के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं। तो इनको इमोशनली टैकल करके आप इनसे कोई भी काम करवा सकते हो। प्यार से ये लोग अपनी जान दे देते हैं, लेकिन अगर इनको प्रेशर किया जाए तो ये कोई काम नहीं करते। इसलिए इनको प्यार से हैंडल किया जाए तो ये बहुत ही अच्छे दोस्ती निभाने वाले, रिश्ते निभाने वाले इंसान साबित होते हैं। इनसे आप कुछ भी करवा सकते हैं। इन लोगों को अपनी बॉडी में जगह जगह कई बार पेन्स बहुत ज्यादा फील होती हैं, जिसकी वजह से, और ये लोग ना रिस्ट्रिक्शंस में, दबाव में नहीं रह सकते। इन लोगों को अपना नाक छेदन करवा लेना चाहिए, अगर नहीं पॉसिबल तो एटलीस्ट अपने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में बुध का जो फौलाद का छल्ला बेजोड़ बुधवार या शनिवार को धारण कर लेना चाहिए। अमावस वाले दिन गरीबों को खाना जरूर खिलाया करें,
हर साल एक या दो बार या चार बार कम से कम हरिद्वार जाकर के गंगा स्नान जरूर करते रहें। इनको कभी भी नहाने में गैप नहीं करना चाहिए। अगर इनको डिप्रेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आए तो पानी में दूध मिक्स करके हर रोज नहाएं। दूध के साथ नहाने से इनका जो वो इमोशनल स्ट्रेस है वो काफी हद तक कम हो जाता है। अपने मुंह को खुश्क रखें तो इनकी जो सूर्य की पावर है वो भी बढ़ती है। इन लोगों को अपने माता पिता दोनों के चरण स्पर्श हर रोज करने चाहिए ताकि इनके सूर्य चंद्र दोनों अच्छे हों। अगर इनको हेल्थ की कोई मेजर प्रॉब्लम आती है तो बरगद के पेड़ पर, बैनियन ट्री जिसे बोलते हैं, बड़ का पेड़ भी बोलते हैं, बरगद के पेड़ पर आधा ग्लास दूध, उसमें ब्राउन शुगर जो कि देसी खांड होती है उसको पानी दूध में मिक्स करके बरगद के पेड़ पर चढ़ाएं और उस गीली मिट्टी का जो दूध से गीली हो जाए, चीकड़ बन जाएगा, उसको उस तिलक को 43 डेज रेगुलर अपने माथे पर लगाएं और हर रोज सुबह बरगद के पेड़ पे जाना है, दूध में ब्राउन शुगर मिक्स करके चढ़ानी है और गीली मिट्टी जो हो वो हर रोज रिपीट करना है, रोज जाना पड़ेगा। उससे मेजर से मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इनकी काफी हद तक ठीक हो जाती देखी गई हैं। तो ये उपाय अमावस के योग के हैं और करियर के लिए जो मैंने बताया कि गरीबों को खाना खिलाएं और उसके साथ साथ गरीबों को दूध पिलाएं और सफेद कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहने, तो इन उपायों से आप अपनी जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और हॉरोस्कोप दिखानी है तो नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। धन्यवाद, वीडियो सुनने के लिए शुक्रिया।